कभी मत कहा करो कि हमसे अमृत ले नहीं उठा जाता। दास ये कहना चाहता है कि जरूरी नहीं है कि हम कहते हैं कि काम करते करते अमृतला नहीं संभाला जा सकता है। जितने भी साथी आप देख रहे हो बहुत पढ़े लिखे हैं और इनकी पढ़ाई अभी भी जारी है कीर्तन के साथ। अमृत वेला भी संभालते हैं, अमृत वेले कीर्तन भी करते हैं, शाम को भी कीर्तन करते हैं और साथ में पढ़ाई भी करते हैं। और वो लड़कियाँ सबकी सब जॉब करती हैं, 12-12 घंटे की मेहनत है उनकी, उसके बाद अमृत वेला संभालती हैं। ये कभी मत कहा करो कि हमसे अमृत वेला नहीं उठा जाता क्योंकि काम बहुत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और दास के साथ जो लोग रहते हैं, जिसे जो मेरे मित्र हैं, जो सेवा में रहते हैं हमेशा, दास ने पहले भी कहा पूरा पूरा दिन क्योंकि उनकी दुकान की मेहनत है, 12-12 घंटे की जॉब है सबकी, आना जाना मिला के अलग 4 घंटे हो जाते हैं, उसके बावजूद हर रोज़ अमृत वेले दास के साथ होते हैं। अरे इन सबके लिए एक जयकारा बुला दो। और एक और बेनती है चरणों में संगत के कि 23 जून का जयपुर में समागम रखा गया है, 23 जून को, 23 जून शाम को 7 बजे से। और यहाँ पर भी अकाल तख्त साहब के सरपरस्ती में, गुरु हरगोबिंद साहब जी के सरपरस्ती में, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाल तख्त साहब के आशीष से ये प्रोग्राम होने जा रहा है। सारे सिंह साहिबान, जत्थेदार साहब खुद वहाँ पर आएंगे अपने आशीर्वाद देने। और गुरु की अपार कृपा, सारी संगत से विनती है जो आना चाहे, जो पहुँचना चाहे, जो वहाँ के हैं संगत, सारी इंडिया की संगत से भी दास विनती करेगा, जो भी आना चाहे वहाँ पर आ सकता है और इस समागम का लाभ ले। 23 जून शाम को 7 बजे जयपुर में। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अमृत वेले आप सिमरन कर रहे हो, नित्यनेम कर रहे हो, पर वो नित्यनेम छोड़ कर भी, अपना नित्यनेम जल्दी कर कर भी, किसी तरह से लोगों को फ़ोन करके उठा रहे हो, दूसरों को जोड़ रहे हो, गुरु प्रसाद वर्तेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप को जिसने पीछे कर लिया, गुरु प्रसाद वर्तेगा, वर्तना ही वर्तना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्वास श्वास सिमरन चाहिए, बंदगी चाहिए, पर अगर वो छोड़ कर अगर आप कोई सेवा करते हो जिससे कोई संगत जुड़ जाती है, गुरु प्रसाद वर्तेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अगर वो वर्तेगा तो उसके लिए तो एक सेकंड की बात है, उसके लिए एक सेकंड की बात है। अपने आप को पीछे कर लो, कोई सेवा मांगता है दे, किसी की प्रसन्नता ले लो, किसी प्रकार उसे गुरु सिख चरणों से जोड़ दो, सेवा से जोड़ दो, तब जाके गुरु प्रसाद वर्तता है, अहंकार में बैठकर नहीं वर्तता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।